आदरणीय मोहन भागवत जी, आपको एक साल के बाद ये समझ में आया कि मणिपुर में हिंसा हो रही है? मणिपुर पिछले एक साल से शांति के लिए इंतजार कर रहा है, ये आपको 2024 में दिख रहा है? हम बार बार मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में जिस प्रकार हिंसा हो रही है उसे रोका जाना चाहिए। कल की ही घटना है कि मुख्यमंत्री जो वीरेन सिंह है उनके काफिले पर हमला हो गया, एक जवान उसमें घायल हो गया। आए दिनों वहां से हिंसात्मक घटनाएं आती हैं, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार, डबल इंजन की दोनों ही सरकार फेल हो गई है। मणिपुर भी हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। मणिपुर में भले दो ही सांसद हो, लेकिन मणिपुर भी एक राज्य है। केंद्र सरकार ये दो दो आंख क्यों करती है? जिस राज्य में ज्यादा ही एमपी है उसमें अगर कुछ भी हो जाए तो दौड़ पड़ती है, और जिस राज्य में कम एमपी है वहां एक दो साल से पूरा का पूरा राज्य जल रहा है, हिंसा की आग में भुन रहा है, वहां कोई ध्यान देने वाला नहीं। मोहन भागवत जी, आप तो आरएसएस प्रमुख हैं, आप तो सरकार से भी ऊपर माने जाते हैं, सरकार पर दबाव डालिए, सरकार को बताइए कि सरकार वहां जाकर वहां की घटना का जायजा ले। वहां के भी लोग हमारे अपने लोग हैं, लोग वहां पर रोज किसी न किसी हिंसा का शिकार हो रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही। कम से कम मोहन भागवत जी, आपके कान तक अगर ये बात आई है तो आप सरकार के कान तक ले जाइए, केवल भाषण देने से कुछ होगा नहीं, वरना आप पर भी लोग जुमलेबाजी करने का आरोप लगाना शुरू कर देंगे।